नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का पहला और सबसे रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के पहले और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में इस बार कृणाल पांड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में, जी हाँ, इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का चौथा ओवर डालने नवीन उल हक ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को आयुष बदौनी के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 10 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और मुंबई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को यश ठाकुर ने निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ईशान किशन 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके मुंबई की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में आ गए और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन ने मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले दो विकेट जल्दी गिर जाने की वजह से जो मुंबई की टीम के ऊपर दबाव बन रहा था वो सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी की वजह से खत्म हो चुका था। सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन की साझेदारी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। देखते ही देखते दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने अब लखनऊ की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए नवीन उल हक ने अपने इस ओवर में पूरा मुकाबला ही बदल दिया और अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 20 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में आए। लेकिन नवीन उल हक यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर के आखिरी गेंद पर मुंबई के दूसरे सेट बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को नवीन उल हक ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन 23 गेंदों में 41 रनों की सम्मानजनक पारी खेलकर आउट हो गए। नवीन उल हक ने अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर एक ही ओवर में मुंबई की टीम की धज्जियां उड़ा दी थी। मुंबई के दो सेट बल्लेबाज आउट हो जाने की वजह से मुंबई की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी थी, दबाव में थी। लेकिन अब मुंबई की टीम की तरफ से टिम डेविड को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से तिलक वर्मा और टिम डेविड ने मुंबई की डगमगाई पारी को संभाला। लेकिन दोस्तों नवीन उल हक की शानदार गेंदबाजी ने मुंबई की टीम की, जी हाँ, उसकी टीम को पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में डाल दिया था। लेकिन तिलक वर्मा और टिम डेविड की ये जोड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी, जिस वजह से मुंबई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी होने लगी थी। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए यश ठाकुर सेट हो चुके टिम डेविड को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टिम डेविड 13 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो। मुंबई की टीम को टिम डेविड की जिस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी समय पर लखनऊ की गेंदबाजी ने उन्हें आउट कर दिया था, जिस वजह से फिर एक बार मुंबई की बल्लेबाजी दबाव में चली गई थी। लेकिन अब टिम डेविड के आउट हो जाने के बाद मुंबई की टीम की तरफ से निहाल वदेरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में मुंबई के दूसरे सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा को नवीन उल हक ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि टीम को इस मुकाबले में, जी हां, मुंबई की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह नवीन उल हक ने बैकफुट पर ढकेल दिया। तिलक वर्मा 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो। नवीन उल हक ने अकेले के दम पर सबसे विस्फोटक बल्लेबाज को इस मुकाबले में भी चलने नहीं दिया। कोई भी मुंबई का बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा था, तो वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन को भी मोहसिन खान ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। क्रिस जॉर्डन 7 गेंदों में 4 रन बनाकर चलते बने।
लेकिन अब सभी की नजरें निहाल वदेरा की तरफ थी और मुंबई की टीम की तरफ से बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, इस नौजवान खिलाड़ी ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी डालने आए यश ठाकुर को दो चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निहाल वदेरा ने इस मुकाबले में मुंबई की टीम के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली और इसी के चलते अंत में मुंबई की टीम ने 182 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। जी हाँ, आपको बता दें कि उसके बाद मुंबई से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आ गए। काइल मेयर्स और प्रेरक माकन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन इस करो या मरो वाले महामुकाबले में मुंबई की तेज गेंदबाजी ने लखनऊ की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आकाश मतवाल प्रेरक माकन को ऋतिक शौकीन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि प्रेरक माकन 6 गेंदों में 3 रन बनाकर चलते बने। प्रेरक माकन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से कप्तान कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स को क्रिस जॉर्डन ने कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करा दिया। काइल मेयर्स 13 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में शानदार शुरुआत कर ली थी। दोनों ही लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिस वजह से मुंबई, जी हां लखनऊ की बल्लेबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। लेकिन अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर दोस्तों आपको बता दें कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मार्कस स्टोइनिस आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और पारी का छठा ओवर डालने आए ऋतिक शौकीन के इस ओवर में दो चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से मार्कस स्टोइनिस ने 18 रन बना लिए। मार्कस स्टोइनिस की लाजवाब बल्लेबाजी ने मुंबई की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी। मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पांड्या की ये साझेदारी लगातार मुंबई के लिए परेशानियां बढ़ा रही थी। अब किसी न किसी खिलाड़ी को मुंबई की तरफ से खड़ा होकर इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही जरूरी हो चुका था और वो काम करके दिखाया मुंबई के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला ने। जी हाँ दोस्तों, पीयूष चावला ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान कृणाल पांड्या 11 गेंदों में 8 रन बनाकर चलते बने। मुंबई की टीम को एक महत्वपूर्ण समय पर सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी मार्कस स्टोइनिस के रूप में एक बड़ा खतरा मुंबई की टीम के ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए आकाश मधवाल इस मुकाबले को चंद पलों में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में गेंदबाजी डालने आए आकाश मधवाल ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज आयुष बदौनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। आयुष बदौनी 7 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर आकाश मधवाल को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिला। जी हाँ, और बल्लेबाजी करने आए विस्फोटक फॉर्म में चल रहे निकोलस पुरन को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर पूरा मुकाबला ही बदल दिया। निकोलस पुरन बिना खाता खोले ही चलते बने मुंबई के इस मुकाबले में। जी हाँ, इस नौजवान तेज गेंदबाज ने कप्तान रोहित शर्मा की खुशियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मुंबई की गेंदबाजी लखनऊ की इस बल्लेबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और विकेट गिरने के बाद दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मुंबई की शानदार गेंदबाजी की वजह से फिर दबाव लगातार लखनऊ की टीम के ऊपर बढ़ रहा था और इसी दबाव के चलते लखनऊ की इस मुकाबले में आखिरी उम्मीद बचे मार्कस स्टोइनिस भी एक गलत रन लेने के चक्कर में टिम डेविड के हाथों रन आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस 27 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। अब मुकाबला लखनऊ के हाथ से निकल चुका था। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी ने देखते ही देखते लखनऊ की खतरनाक बल्लेबाजी को धूल में मिला दिया था। तो वहीं मार्कस स्टोइनिस के बाद बल्लेबाजी करने आए कृष्णप्पा गौतम को भी रोहित शर्मा ने रन आउट कर दिया था। कृष्णप्पा गौतम 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों ही खिलाड़ी रन आउट होने के वक्त दूसरे छोर पर दीपक हुड्डा मौजूद थे। रन लेने में लगातार हुई गलतियां लखनऊ की टीम के लिए इस मुकाबले में और इस साल फाइनल की दौड़ से बाहर होने में सबसे बड़ी गलतियां साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, और फिर कृष्णप्पा गौतम के बाद पारी के 15वें ओवर में आकाश मधवाल ने अपना 4वां विकेट हासिल किया और रवि बिश्नोई को आकाश मधवाल ने क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करा दिया। रवि बिश्नोई 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि तो वहीं इसी ओवर में दीपक हुड्डा खुद ही रन आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, दीपक हुड्डा 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में मोहसिन खान को क्लीन बोल्ड करते हुए आकाश मधवाल ने अपना इस मुकाबले का
पांचवा विकेट हासिल किया और इसी के साथ लखनऊ की टीम इस मुकाबले में ऑल आउट हो गई और मुंबई की टीम ने इस एलिमिनेटर मुकाबले में, जी हां एलिमिनेटर के महामुकाबले को 81 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, इस एलिमिनेटर मुकाबले को जीतकर अब मुंबई की टीम दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में पहुंच चुकी है, जहां पर उनकी भिड़ंत हार्दिक पांड्या की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन से होगी। लेकिन दोस्तों इस साल इस मुंबई की टीम जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े गेंदबाज नहीं थे, वहीं पर एक नौजवान भारतीय तेज गेंदबाज ने इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल करके इतिहास रच दिया और मुंबई की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आकाश मधवाल ने अपने 4 ओवर में केवल 5 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। जी हाँ दोस्तों, और आकाश मधवाल की इस ऐतिहासिक गेंदबाजी ने मुंबई की इस बड़ी, जी हाँ बड़ी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप आकाश मधवाल की शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।